नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद जूनियर। सी हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर डी वी शर्मा जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ। हम उनसे बात करेंगे जो मनुष्य का जो शरीर है जो हड्डियों पर पूरी तरह से निर्भर है, हालांकि हड्डियों से ज़्यादा मांसपेशियाँ हैं जो एक तरह संरचना बना करके उसको ढांचा बनाती हैं और उस पर टिकती हैं। लेकिन ख़ासतौर पर अगर देखा जाए हिंदुस्तान की जीवन शैली में या रहन सहन में या उनकी बढ़ती हुई घटती हुई लंबाई के बारे में अगर देखें तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कम हाइट के लोग हिंदुस्तान में ही होंगे अन्य देशों की अपेक्षा। तो बात करेंगे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्टूडियो आने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे आप सभी को ये पता है कि अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं तो शारीरिक जो संरचना है, जो ढांचा है, वो बिल्कुल ही लचीला हो जाता है और वो पूरी तरह से चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, हड्डियों की इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण स्थितियों को लेकर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप में, अगर आपकी मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आप हों या डॉक्टर रवि सवरवाल साहब हों, इस एज में जिस एज में आप लोग पहुँचे तो शुरुआती ढांचा होगा मुझे लगता है आगरा के मेडिकल का, जो इस स्टेज पर आप लोग लेकर के आए हैं, तो वो दौर रहा होगा जब शुरुआत स्टार्ट हुआ कि आगरा में हड्डी रोग विशेषज्ञ आएँ और हॉस्पिटल शुरू करें। पहले चिकित्सक ही नहीं मिलते थे, हॉस्पिटल की बात बहुत दूर रहती थी। तो अब हड्डियों के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्या स्थिति है इस वक्त? इस वक्त पहले से सीन फर्क है काफ़ी। पहले हड्डियों का एक्सीडेंट जो होता था, एक्सीडेंट रेट जो था वो काफ़ी कम था। इंडस्ट्रीज़ कम थी आपकी, सड़क पे देखिए कितना कार और आपको ये दिखाई देती हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, मोटरसाइकिल, हर घर में मोटरसाइकिल, कई कारें, तो ऑटोमोबाइल ने भी इसको बढ़ाया, इंडस्ट्रीज़ ने भी बढ़ाया, उस वजह से जो है एक्सीडेंट्स बहुत होने लगे। और एक्सीडेंट्स भी की जो रफ्तार की वजह से जो एक्सीडेंट हुए उनमें हड्डी के टूटने की प्रक्रिया भी अभी कई तरह से हो गई, फोर्स से जल लगी, तरह तरह के फ्रैक्चर्स आए, तरह तरह के फ्रैक्चर्स आए, तो उनका उसी हिसाब से हम लोगों ने इलाज करना शुरू किया। शुरुआत के ज़माने में तो बहुत कभी कभी जो है हड्डी किसी की टूटती थी। बल्कि हुआ ये कि मैंने जब ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन की, ये बात है करीब 76 की, जी जी हाँ यही बात होगी, तो करीब 40 साल हो गए। तो मेरे गांव में मेरे मामा जी वगैरह बोले कि अरे ये डीवी शर्मा ने क्या किया, हड्डी तो साल 6 महीने में एक आध की टूटती है, और कोई दूसरी ब्रांच अगर ले लेते तो ठीक होता। हाँ। अब एक साल में एक दो मरीज मिलेगा, कैसे इसका खर्चा चलेगा? तो ये उनका एक्चुअल सेंटेंस था। और आज स्थिति ऐसी है कि समय नहीं मिलता, इतने फ्रैक्चर्स, इतने वो, चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अब ये कंडीशन हो गई है। जी हो गई। और जो है वो उसका समय बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। पहले तो ये था कि हमने प्लास्टर लगा दिया, 2-3 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। अब ये चाहता है आदमी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो, दिनों में ठीक हो, महीनों की बात नहीं होती। तो उस वजह से हम लोग ज्यादातर केसेस में अब इंटरनल फिक्सेशन करने लगे हैं। प्लास्टर जो होता है वो एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है, और अंदर हम पेच, स्क्रू, सरिया और जॉइंट कभी कभी डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हम जल्दी चला देते हैं उसको। तो जल्दी चला देते हैं तो उससे सोसाइटी में जो उसकी इच्छा है वो पूर्ति होती है, और वो अपने काम पर जल्दी लौटता है, जिससे राष्ट्र का भी नुकसान कम होता है। डॉक्टर साहब, 76 की बात हम कर रहे हैं, तो 1947 में चूँकि आज़ादी मिली तो 50 तक तो लग गया संवरने में ही, कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा। 60 तक तो हौच पौच सी स्थिति थी, और 60 के बाद अगर बात करें केवल 15 साल में आप लोग आ गए समाज के अंदर, एक ऑर्थोपेडिक लेकर के आए आप लोग। तो उस समय यानी कि एक स्टेज कहा जाए तो शुरुआती दौर था वो। शुरुआती दौर था।
इस शहर के अंदर, तब उतनी ना तो आबादी रही होगी यहाँ, ना उतने मकान रहे होंगे, ना हॉस्पिटल गिने चुने, एक आध ऐसे अगर रहा हुआ तो बहुत है, नहीं तो बहुत बड़ी बात हॉस्पिटल की। तो अब अगर देखें आगरा शहर में इस हड्डी के बारे में, तो अब क्या सिस्टम, क्या मशीनरी हमारे आगरा में उपलब्ध है कि ताकि पब्लिक को या जो इंजर्ड हैं पीपल्स को, उनको दिल्ली या उनको बॉम्बे जैसे शहरों में नहीं जाना पड़े, क्या संभव है अब हमारे यहाँ पूरा सब कुछ? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। उस समय गिने चुने 4-5 डॉक्टर हुआ करते थे, और आज की तारीख में लगभग 200 से ज़्यादा हड्डी रोग चिकित्सक आगरे में हैं। और हम लोग आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के जरिए हम लोग बिल्कुल अपडेट रहते हैं, जो कार्य बॉम्बे में हो रहा है, जो कार्य दिल्ली में हो रहा है, जो मेट्रोज में हो रहा है, उससे हम कहीं पीछे नहीं हैं यहाँ के चिकित्सक। स्पेशली मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात करूँ जी, जी। और ब्रांचेस में भी इजाफा हुआ है। हार्ट की ओपन सर्जरी के मामले में हम जरूर कमजोर हैं यहाँ, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स में जो बॉम्बे में होगा, जो दिल्ली में होगा, जो इंदौर में होगा, वो यहाँ हम लोग करते हैं, उसी तरह के रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं, और ऑर्थोपेडिक्स के मामले में आगरा पीछे नहीं है। नहीं है नहीं, लेकिन अगर मेडिकल की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल में ओपन हार्ट के बारे में बात की जा रही है, लेकिन ओपन हार्ट हो चाहे अन्य तरह के कोई भी सर्जरी हो हार्ट के बारे में या अन्य डिजीज के बारे में, तो मुझे लगता है कि अब जो बेसिक से लेकर के जेड तक की जो एक प्रक्रिया है, जेट के बीच में कहीं ना कहीं हम 26 अक्षरों में तो कहीं ना कहीं हम बिलोंग कर ही रहे हैं, अब हम रिजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर। अब ऐसा नहीं है कि एक शून्य से लेकर के मुझे सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल। अब तो यहाँ काफी भरमार हो गई है, अब तो चूंकि हॉस्पिटल गिनना मुश्किल हो गया, डॉक्टर्स गिनने मुश्किल हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये बात भी इसमें महत्वपूर्ण है कि अभी भी हम जो सरकारी संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, उनमें केवल 20% चिकित्सा हो पा रही है, 80% हम प्राइवेट में ही उसको कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं। आगरे में रेट्स के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू आप दिल्ली वगैरह में बात, उनमें बात करेंगे तो उस हिसाब से अच्छी चिकित्सा इकोनॉमिकली आगरा में की जा रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चिकित्सकों की कमी है और पैरामेडिकल स्टाफ की तो और ज़्यादा कमी है। एक डॉक्टर अगर 8-10 पैरामेडिकल स्टाफ को कार्य करा सकता है उनसे, और अगर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है प्रॉपर तो उसको खुद कार्य करना पड़ेगा, तो उससे बड़ी मुश्किल हो रही है। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये मुश्किल पैरामेडिकल स्टाफ की और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जितना होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटके मैं करना चाहूँगा आपसे कि चिकित्सकों की जैसे लिटरेसी आगरा में बढ़ी है, प्राइवेट्स हॉस्पिटल्स सैकड़ों की संख्या में आ गए, आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस समय ना तो हॉस्पिटल थे और ना ही चिकित्सक थे, बिल्कुल ना ही मरीज थे, चारों तरफ से हम मतलब गायब थे एक तरह से। लेकिन अब मरीज भी हैं, चिकित्सक भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, मशीनरी भी है, सिस्टम भी है और नॉर्म्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। लेकिन आज की स्थिति में अगर ये देखें कि एक चिकित्सक अपने यहाँ हर रोज़ कम से कम 150-200 पेशेंट देखता है, क्या आज हम ये नहीं लग रहा है सब डायग्नोस पे हम निर्भर होते जा रहे हैं, अपना दिमाग अपनी चीज़ें कम यूज कर रहे हैं, सिर्फ जांच। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हम जांचों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसमें कई कारण हैं। एक तो ये है कि जो CPA आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्या हुआ कि उसमें वो एविडेंस बेस्ड है, मुझे मालूम है कि इसको टाइफाइड फीवर है, लेकिन मैं दवा उसकी शुरू तब करूं जब उसको टाइफाइड फीवर ब्लड में आ जाए, ये कंज्यूमर फोरम की वजह से होने लगा, तो उस वजह से हमें जांचें ज़्यादा करानी पड़ रही हैं। उसका कुछ नुकसान भी है और कुछ फ़ायदा भी है। तो वो जो कंज्यूमर फोरम जो आया उसने जो चिकित्सा को एक वस्तु बना दिया, एक कंज्यूमेबल, जबकि है नहीं वो। वो उसमें बहुत सी चीज़ें काम करती हैं, मरीज का फेथ भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो वो इस वजह से कुछ लोगों ने उसका
एक्चुअली मिसयूज शुरू किया। हाँ, मिसयूज शुरू किया। और एक्चुअली है क्या कि एक ही दवा मैं दूँ आपको फायदा कर सकती है, दूसरे को फायदा कर सकती है, तीसरे को फायदा न करे, हाँ। और चौथे को रिएक्शन कर जाए, हाँ, वो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाए, और वो कंज्यूमर कोर्ट में चला जाए तो समस्या हो गई। अब दूसरी चीज लीजिए, हार्ट अटैक का कोई मरीज आया, हमने उसको इंजेक्शन लगाया, बोलता हुआ आया, इतना ज्यादा जोर का हार्ट अटैक था उसको कि वो कंट्रोल नहीं हो पाया। मरीज क्या कहेगा कि बोलता हुआ आया, तुम्हारे इंजेक्शन से मर गया। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं। डॉक्टर का इंटेंशन कभी खराब हो ही नहीं सकता, और प्राइवेट वाले का तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो अपनी साख बनानी है, रिजल्ट देना है, लेकिन रिजल्ट देना कभी कभी उसके हाथ में नहीं होता। पेशेंट की बॉडी अलग तरीके से रेस्पोंड करती है किसी चीज को। तो इस वजह से कंज्यूमर फोरम की वजह से और इसकी वजह से डायग्नोस पे जाना पड़ा, और इसको इन्होंने जो है कॉमर्शियल बना दिया। गवर्नमेंट का भी रोल है, आपको बिजली कॉमर्शियल रेट पे मिलेगी, आपको टैक्स कॉमर्शियल रेट पे मिलेगा, तो वो आफ्टर ऑल उस पर पेशेंट पे ही उसका भार पड़ा। अगर ये चीज़ें नहीं होती, मेरे विचार से तो ये चिकित्सा के संस्थान जो हैं वो टैक्स की परिधि में आने ही नहीं चाहिए। एक और सरकार का दावा है कि हम चिकित्सा आपको फ्री देंगे, दे नहीं पा रहे। लेकिन एक और अगर आप अंदरूनी इस बात में जाएंगे तो जो दवाइयां हैं उन पे टैक्स लेती है सरकार, उसकी बॉटल बनती है उस पे टैक्स लेती है, उसकी प्रिंटिंग पे टैक्स लगती है, उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह की दवाइयों पे। जब आप उस चीज़ को जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो पूरी हो नहीं रही। अभी आपका भगवान न करे आपके किसी रिश्तेदार का उसका एक्सीडेंट हो जाए या बीमार हो जाए, तो उसमें से जो उसका खर्चा हो रहा होगा उसमें से लगभग 25% दवाइयों का खर्चा सरकार पर जा रहा होगा। तो सरकार क्या कर रही, बीमार होने का टैक्स ले रही या एक्सीडेंट होने का टैक्स ले रही। एक्सीडेंट होने में भी सरकार का योगदान है, रोड ठीक नहीं, उसका यातायात ठीक नहीं। तो ये जो सरकार की जिम्मेदारी है वो उससे वो कमा और रही है। तो एक तरह से बीमार होने का टैक्स हुआ। अगर आपने 20 रुपए की दवा दस्त होने की या बुखार की खरीदी, 4 रुपए टैक्स में चले गए, तो आपने एक तरह से बीमार होने का टैक्स दिया। तो ये भी एक अच्छा, ये मरीज की समझ में नहीं आता। वो समझता है कि अच्छा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है मरीज का, आज आपका बीमार है, कल दूसरे का बीमार है, कल तीसरे का बीमार है, कोई एसोसिएशन है नहीं। पेशेंट्स के वेलफेयर की भी एसोसिएशन बहुत कम है। तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है कि दवाइयों से सरकार टैक्स न ले। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इनडायरेक्टली ये बीमार होने का टैक्स हुआ, बीमार होने का टैक्स। और दूसरी आप कहीं से भी टैक्स ले लीजिए, हैं, आप कार पे बढ़ा दीजिए, आप किसी पे भी बढ़ा दीजिए, लेकिन आपका तर्क ये हो सकता है कि साहब बीमार, अमीर आदमी बीमार पड़ता है तो उससे हम क्यों ना ले। भाई उसको भी छोड़ दो, अमीर के लिए आपके पास 10 चीजें हैं जिनसे आप टैक्स ले सकते हैं। तो जरूरी थोड़ा है कि अच्छा अमीर आदमी भी जब बीमार होता है वो भी अपना काम छोड़ रहा है, उस समय उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो वो भी काम पे नहीं जा रहा, उसका भी काम सफर कर रहा है। तो जरूरी थोड़ा ही है कि बीमार होने पर दवाइयों पर आप टैक्स ही लें, हैं, ऑक्सीजन पर टैक्स जा रहा है, बताइए। डॉक्टर साहब आप देखिए, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो वो एजुकेशन, और दूसरी चीज़ है मेडिकल। यस, पहले कभी शिक्षा और चिकित्सा, हाँ, पहले कभी ये हुआ करता था रोटी कपड़ा और मकान। आज की डेट में मैं समझता हूँ कि मेडिकल्स और सुरक्षा, और तीसरी तरफ जो है आपका इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, और एजुकेशन आना चाहिए, आज इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब बैठे हैं आप, चूँकि राजनीति से भी आपका ताल्लुक है अच्छा खासा, तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम जो है ये एक आवाज़ उठाई जाए आप लोगों के माध्यम से कि बच्चे के जन्म से ही मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट करा दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, इंश्योरेंस करा दे और वो मैंडेटरी हो जाए जी। हाँ, कि वो सुविधाएं आपको तभी मिलेंगी वोट डालने की, उसकी जैसे आधार कार्ड है ये है, जब आप अपना इंश्योरेंस करा लेंगे, जिससे कि वो जो है उसको चिकित्सा लेने में सहूलियत नहीं हो। अब 10 रुपये जमा हो कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये 20 रुपये जमा हो, मंथली जमा हो, लेकिन कुछ इंश्योरेंस के पार्ट्स काटे वो, ठीक। हाँ। लेकिन मेडिकल के जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, जो दवाइयां हैं, जो मेडिकल का जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो खर्चे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगे।
ये बिल्कुल यही। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, हालांकि हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन अब चूंकि डॉक्टर साहब राजनीति से भी ताल्लुकात रखते हैं तो कुछ मुद्दे सामाजिक भी उड़ गए इस पर, लेकिन अब हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में। दर्शकों से हेल्थ में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हड्डियों के बारे में, चूंकि शरीर की पूरी जो संरचना है वो हड्डियों पर डिपेंड है। मांसपेशियां मजबूत हैं, इसमें नसें भी हैं, हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग काम है, सभी का एक रोल होता है, लेकिन अगर हड्डी नहीं हो अंदर तो शायद शरीर एकदम लोथड़ा सा बन जाएगा। तो डॉक्टर साहब हड्डियों के बारे में बात करते हैं, जैसे जन्मजाति जो बच्चे होते हैं उनकी कुछ की हड्डियाँ थोड़ा वीक होती हैं या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, या कुछ टेढ़े मेढ़े बच्चे भी होते हैं, ऐसे क्या रीज़न मानते हैं उसका? देखिए, कुछ बच्चों में जिनसे आपका आशय है वो बच्चों के पैर जन्म से ही टेढ़े आते हैं, उनको हम टेलीपीज एपिनोवायरस कहते हैं, पीछे की तरफ। कुछ भ्रांतियाँ हैं कि ये गर्भवती महिला ने इस तरह बैठ गई होगी या चंद्र ग्रहण में इस तरह हो गया होगा, लेकिन वो सही नहीं है। उसके दूसरे कारण हैं, उन कारणों में न जाके हम ये कह सकते हैं कि जो टेढ़े मेढ़े पैर जन्म से आते हैं हम लोग ऑपरेशन से या प्लास्टर से उनको ठीक कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। जैसे यूं हाथ पैर आए तो 15 दिन के लिए यूं प्लास्टर लगाया, फिर 15 दिन के लिए, फिर 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो इस तरह फिर उनको जब तक चलता नहीं है तो जूते पहना देते हैं जिससे दोबारा वो टेढ़े ना हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टेढ़े होते हैं तो उनको भी हम ऑपरेशन करके सीधा कर देते हैं, तो वो कोई समस्या नहीं है। कुछ पैर ऐसे होते हैं जो कि जैसे एक साल का बच्चा हुआ, जब उस वेट लेने लगा वो, तो क्या होता है हड्डी उसकी सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने का कारण ये होता है कि उसमें कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी होती है। मां का दूध कुछ बच्चे नहीं पीते हैं और ऊपर से कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लाई नहीं हो पाती, तो उनकी हड्डी लचीली होती है और कमज़ोर होती है। जब वेट लेता है तो वो टेढ़ी होने लगती है, तो उसके लिए भी हम लोग कभी कभी प्लास्टर लगाते हैं और साथ में कैल्शियम और विटामिन डी देते हैं और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, वैसे आप क्या ऐसे के जीन्स हैं अंदर बॉडी के जो हड्डियाँ, देखिए हर जगह बनती है, उंगली बनेगी तो उतने पार्ट में बनेगी, हाथ की हड्डी होगी तो उतने पार्ट में बनेगी, शोल्डर से नीचे आएगी उतने पार्ट में बनेगी, उससे लंबी नहीं होगी, पैर की लंबी होगी, ये सब सिस्टम क्या है, ये कैसे क्या होता है इसमें? ये तो देखिए जीन्स की कोडिंग है और इसमें ये है कि आपके पेरेंट्स क्या थे, उसमें जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं उनमें कोडिंग है कि आपकी हड्डी कैसी बनेगी, आपकी आँख कैसी बनेगी, आपकी क्या चीज़ कैसी बनेगी। आप जो है जो आपके पेरेंट्स हैं, आप एनिमल्स के हैं तो उनकी हड्डी दूसरी तरह की बनेगी, आदमियों की दूसरी तरह की बनेगी, और उसमें सेक्स ऑर्गन एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से बनने लगेंगे। तो उसमें कोडिंग है कि वो जो एक सेल होता है उसमें से कई सेल बनते हैं, फिर कई सेल बनते हैं, फिर वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेल्स, कोई नर्व बनाता है, कोई मसल बनाता है, कोई बोन बनाता है। तो एक प्रकृति का इतना अच्छा सिस्टम है कि पूरा एक बच्चा फिर तैयार हो जाता है और फिर वो ग्रो करता है कि वो जो है पैर की हड्डी लंबी होती है, हाथ की हड्डी लंबी होती है, ये छोटी छोटी होती है। तो ऐसी कोडिंग है कि आगे जाकर के उस सेल को क्या बनाना है, उतनी ही वो बढ़ेगा। तो ये प्रकृति की देन है और वो उससे चलती है। जी डॉक्टर साहब, वैसे कैल्शियम क्या ऐसे भी मदर्स में बच्चों का वैसा हड्डियों का विकास कम होता है जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, खुद मदर्स में अगर कम है तो क्या उसको आने वाले बच्चों पे भी इसका फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। प्रेगनेंसी में आजकल ज़्यादातर जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं कैल्शियम और विटामिन डी देती हैं, क्योंकि इस समय जो बहुत अच्छा और सस्ता विटामिन डी का सोर्स है वो है धूप, सनलाइट, और सनलाइट से सब लोग परहेज करने लगे, कोई सनलाइट में निकलता नहीं, चाहे बच्चे हों, चाहे लेडीज़ हों, चाहे जेंट्स हों, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हों। अभी हमने चिकित्सकों का कराया था विटामिन डी टेस्ट,
तो 60% चिकित्सकों का खुद का विटामिन डी कम निकला, बिल्कुल निकलेगा। हाँ, एसी में रहना, एसी गाड़ी में चलना है, हाँ, एसी घर पे रहना, तो उनका खुद का कम निकला। जी जी। तो वो 60% चिकित्सक भी विटामिन डी और कैल्शियम ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स का कम निकला। तो अच्छा, बच्चे के लिए तो कैल्शियम और विटामिन डी जरूरी है, तो प्रेगनेंसी में फिर इसलिए एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ती है और देनी चाहिए। तो वैसे जिन बच्चों में अगर कैल्शियम कम है तो उनकी ग्रोथ भी कम होगी, उनके बोन्स भी कम बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल कम होगी, कैल्शियम और विटामिन डी साथ साथ चलते हैं तो वो उनकी कम होगी। तो मदर्स को क्या फीड में, क्या जैसे कि खाने पीने में, खाने पीने में क्या लेना चाहिए? हाँ, देखिए देखिए, खाने पीने में जो लोग नॉन वेज नहीं लेते उनके लिए मिल्क, एग और हरी सब्जियां, ये बहुत जरूरी है, ये जरूर लेनी चाहिए प्रेग्नेंट मदर्स को। वैसे डॉक्टर साहब, क्या हमारे इंडिया में अब हर हड्डी का ऑपरेशन, चाहे स्पाइन का हो, चाहे अन्य किसी का हो, रीढ़ की हड्डी का हो, क्या संभव हो गया है कि हम यहाँ पे सारा इलाज अब आगरा के अंदर करा सकते हैं फिलहाल? हाँ, बिल्कुल। अब जहाँ तक हड्डी का सवाल है या ऑर्थोपेडिक्स का सवाल है, सबसे ज़्यादा इसमें मैं कहूँगा कि डेवलपमेंट हुआ है पिछले 25 सालों में। और हम लोग जो पहले प्लास्टर पर डिपेंडेंट थे, प्लास्टर को कहते हैं हम एक्सटर्नल फिक्सेशन, बाहर से फिक्स किया। बाहर से फिक्स करने में क्या होता है कि एक तो प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाता, और दूसरा यह है कि उसमें स्वेलिंग कम होती तो हिल जाती है हड्डी, तो प्लास्टर खोला तो टेढ़ा मेढ़ा निकला। तो अब हम लोग उसको खोल करके उसी हिसाब से पेच और प्लेट लगा सकते हैं और रॉड डाल सकते हैं, या जॉइंट खराब हो गया तो जॉइंट भी बदल देते हैं। तो जो सर्जरी इंटरनेशनली हो रही है, या बॉम्बे हो रही है, या दिल्ली हो रही है, वो आगरे में भी हो रही है। हम लोग अपनी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, हम लोगों की बहुत रिच होती हैं, उसमें एकेडमिक की बहुत होती है और हम लोग उस पर बहुत काम करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग ब्रांच है और इसमें भी अब अलग अलग ब्रांचेज हो गई, स्पाइनल सर्जरी हो गई, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, बच्चों की ऑर्थोपेडिक्स हो गई, रूमेटोलॉजी हो गई, तो इसमें भी अब अलग अलग आर्थ्रोस्कोपी से काम करने लगे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट करने लगे हैं, रोबोटिक सर्जरी भी आ गई। तो ऑर्थोपेडिक्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और लगभग सभी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। डॉक्टर साहब, एक घुटने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर 35-45 के बाद, जो है लोग कहते हैं कि ना तो आपको दौड़ना चाहिए, ना जॉगिंग करना चाहिए, आपको केवल पैदल चलना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हमारे हिंदुस्तान में चुकी ज़्यादा हैं, लेकिन विदेशी मेंस के अगर हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें या उनकी एक्टिविस्ट बॉडी देखें, तो हमारे यहाँ से ज़्यादा एक्टिव है वो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो घुटने का दर्द है वो मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है, इसको बोलचाल की भाषा में हम गठिया भी कहते हैं, इसको वियर एंड टीयर डिजीज बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कर्टिलेज है, हड्डी के दोनों सिरों पर कर्टिलेज है, उससे वो जॉइंट बना है, जितनी जल्दी घिस जाएगी उतनी जल्दी दर्द शुरू हो जाएगा। तो वो कम घिसे, हमारे यहाँ जो डिफिकेशन का सिस्टम है वो ज़मीन पे बैठने वाला है, उधर क्या है वो कुर्सी वाली यूरोपियन सीट इस्तेमाल करते हैं। तो जब ज़मीन से उठता है कोई आदमी या औरत तो उस पर बहुत लोड पड़ता है कर्टिलेज पे, और वो कर्टिलेज ज़्यादा घिसती है, इसीलिए घुटने के दर्द की समस्या यहाँ ज़्यादा है और घुटने की अर्थराइटिस ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, उसमें मेन रोल जो है वो वियर एंड टीयर का है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको रनिंग नहीं करे, जॉगिंग नहीं करे, हाँ, चले नहीं। हाँ, पहलवानों में क्या है कि वो हड्डी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो कर्टिलेज जल्दी घिस जाती है, जल्दी घिस जाती है, तो वो जो घिसने के बाद फिर उसमें नर्व जो है वो एंडिंग्स दिखाई देने लगती हैं और वो फिर पेन करती हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या आ जाती है। वॉकिंग बहुत अच्छी है उसके लिए लेटर स्टेज में जा करके, शुरुआत में हम उसको कंजर्व कर रहे हैं उसको कर्टिलेज को, और वो ये यूरोपियन सीट का इस्तेमाल कर। अगर कोई जैसे जॉगिंग कर रहा है पाँच किलोमीटर का 40 या 45 के आसपास, और उसकी जो कैपेसिटी है 1 किलोमीटर जाने की वो लगभग 10 मिनट की है, तो मुझे लगता है कोई नुकसान है इसमें क्या उसको? नहीं, देखिए आधा घंटे तक जॉगिंग
कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन कुछ लोग 2 घंटे कर रहे हैं, हाँ, जो 3 किलोमीटर तक और आधा घंटे तक, हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, हाँ, हर्ट के लिए भी ठीक है, जॉइंट्स के लिए भी ठीक है, एक्स्ट्रा फिर आप उसको खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कटलेज ज्यादा वीएन एंटीयर कर रहे हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा नहीं एडवोकेट करते। फिर तो वॉक कर लें उसमें तो ज्यादा बेटर है, 3 किलोमीटर के बाद फिर वॉक कर लें, वॉक कर लें, हाँ, ये सारे हर्ट वाले भी आधा घंटे के लिए कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग हाफ एन आवर की सफिशिएंट है। डॉक्टर साहब, एक भ्रांति और हमारे यहाँ है कि जो प्लेट्स डलती हैं, जो रॉड डलती हैं जी सभी के अंदर, उसमें लोग कन्फ्यूज है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडियन रॉड्स काफ़ी सस्ती आती हैं, फॉरेन में काफ़ी महंगी बेच देते हैं लोग यहाँ पर, तो वो बड़ी दिक्कत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो ऑप्शन मरीज को ही ज़्यादातर डॉक्टर देते हैं कि आप कौन सी प्लेट या कौन सी रॉड डलवाएंगे। अब क्योंकि बाहर से जो रॉड आती है उसमें फिर वही टैक्सेशन, टैक्स की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि इंडियन रॉड और फॉरेन की रॉड में थोड़ा फर्क भी है, लेकिन फर्क, हाँ, फर्क उतना नहीं है जितना उसकी कॉस्टली ज्यादा है। तो वो जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन वाली रॉड डलवाएं, लेकिन अगर पैसे की बहुत ज्यादा कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है तो ही डलवाएं, वरना इंडियन रॉड्स और इंडियन भी अच्छा काम है, वो भी मतलब एक स्टेज पर वो भी उतने सालों तक काम कर जाएगा जो फॉरेन का करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, नहीं, आफ्टर 65 या 45 50 जिसको भी डलवाना है तो इंडियन रॉड भी कर सकता है यूज, हां हां, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और क्वालिटी भी लगभग 1-2 साल की क्वालिटी का फर्क होगा, डिफरेंस होगा, अगर होगा तो ज्यादा ज्यादा होगा, तो वो साल का भी नहीं, थोड़ा बहुत जैसे जैसे ना कि उसमें स्क्रू है, स्क्रू है तो उसकी फिटिंग थोड़ी बेटर होगी, ओके, उसकी जो उन्होंने जो बनाए होंगे उसमें वो थ्रेड्स जो है ना वो बहुत अच्छे होंगे फॉरेन वाले में, जी जी जी, यहाँ के में 19-20 होंगे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, तो इंडियन भी ठीक है, बेटर, इंडियन भी अच्छे हैं, कंफ्यूज नहीं रहे लोग। चलते चलते दर्शकों को हमारे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि अपना वजन न बढ़ने दें, अपनी व्यायाम जरूर करें, अच्छा खाने पीने में हरी सब्जियाँ, दूध, कैल्शियम रिच फूड का सेवन करें और खुश रहें, यही मेरा संदेश। दर्शकों, सी हेल्थ में डॉक्टर डीबी शर्मा जी को आपने सुना, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से जीवन यापन करना है, क्योंकि हड्डियों के बारे में हमेशा लोगों को सचेत रहना चाहिए। आजकल इंजरी बहुत हो रही है क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, बोन फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है। लेकिन जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है, जो धूप में नहीं जाना चाहते हैं, जो धूप से बचते हैं, उनको भी अनिवार्य है कि वो धूप आधे घंटा ज़रूर लें, अन्यथा उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आने वाली जो उनकी पीढ़ी है उसमें भी, वो नस्ल जब जाएगी तो उसमें भी कमज़ोरियाँ देखी जाएंगी और महसूस होगी, उस बच्चों को जाके आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमेशा अगर एसी में रहते हैं और एसी में चलते हैं, होटल्स में जाते हैं तो भी एसी में बैठते हैं, गाड़ी में चल रहे हैं तो भी एसी में चल रहे हैं, और ऑफिस में बैठ रहे हैं तो भी एसी में बैठ रहे हैं, तो ये जो है नुकसानदेह है एक तरह से, पूरी तरह से। इसलिए हमारे जो प्रकृति ने हमें संसाधन दे रखे हैं, मौसम के 4 बराबर, जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, इस तरह से मौसम नहीं है, तो उसका हमें फायदा लेना चाहिए। फिलहाल हमें भी चलने के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।